फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम ट्रैप। एनओसी जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ड्राइवर फतेह सिंह भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। एसीबी ने 90,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एनओसी जारी करने की एवज में घूस यहां पर मांगी गई थी। 90,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। जयपुर में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम ट्रैप किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या पूरी जानकारी, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल विश्वकर्मा इलाके के अंदर हुई है, जहां पर तो एक हॉस्पिटल का जो संचालक था उसने इस बात की शिकायत एसीबी के अंदर कराई थी कि जो फायर असिस्टेंट है छोटू राम, वो 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। और ये जो रिश्वत मांगी जा रही है, ड्राइवर है फतेह सिंह, उसके मार्फत ये रिश्वत की जो है जो मांग की गई थी, इसमें 10,000 रुपए जो छोटू राम था उसने पहले ले ली थी, जिसमें एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया था। जब पूरे मामले का सत्यापन कराया तो पूरा मामला सच पाया गया, और उसके बाद आज योजनाबद्ध तरीके से जो ड्राइवर था फतेह सिंह, जो फायर असिस्टेंट फायर ऑफिसर है छोटू राम, उसके मार्फत यहाँ पर 90,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। तो यहाँ पर एसीबी ने जाल बिछाते हुए यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, और जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर है छोटू राम उसको और साथ में जो ड्राइवर है फतेह सिंह उसको यहाँ पर धर दबोचा है, और 90,000 रुपए की जो रिकवरी है जो जिसने रिश्वत के रूप में यहाँ पर ली थी एसीबी ने, वो इन दोनों से यहाँ पर बरामद कर ली है। बहरहाल एसीबी की टीम जो है अब इन दोनों आरोपियों को सीधे यहाँ से विद्याधर नगर लेकर के आ रही है, और उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी किस तरह जो एनओसी देने का जो खेल था वो यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि एनओसी जारी करने की एवज में यहाँ पर ये जो रिश्वत की जो डिमांड थी वो की गई थी 1,00,000 रुपए की, और उसी के चलते यहाँ पर इसकी शिकायत थी जो हॉस्पिटल संचालक था उसने यहाँ पर एसीबी के अंदर कर दी थी। एडिशनल एसपी जो संजीव नयन है उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ पर दोनों आरोपियों को यहाँ पर दबोच लिया है। देखा जाए तो एसीबी पूरी तरीके से यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ पर काम कर रही है, और जो भ्रष्टाचारी है उन पर यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। अभी बीते दिनों भी यहाँ पर दो आरएस अधिकारी जो साथ में दलाल को यहाँ पर ट्रैक किया था, और आज एक बार फिर यहाँ पर जो असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम है वो हत्थे चढ़ गया, और साथ में उसका जो ड्राइवर है फतेह सिंह वो यहाँ पर हत्थे चढ़ा। बहरहाल दोनों से पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद में पूरे घोटाले का यहाँ पर पता चलेगा, और साथ में पूरे रिश्वतखोरी का खेल जो चल रहा था वो कितने समय से चल रहा था, और यहाँ पर किस तरह की ये एनओसी यहाँ पर जारी करने की एवज में यहाँ पर किस तरह रिश्वत ली जा रही थी, और साथ में इस पूरी मिलीभगत में कौन कौन लोग शामिल है, इन सब के बारे में यहाँ पर जो इस वीक जो टीम है वो पूछताछ करेगी। यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ड्राइवर फतेह सिंह भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है, और एसीबी ने 90,000 की रिश्वत लेते असिस्टेंट फायर ऑफिसर को ट्रैप किया है।